दिख रहा है ना आपको लास्ट में, ठीक है। इनिशियलाइज का सिंपल मतलब है डेटा को राइट करना, फिर रीड करेंगे। तो मैं राइट करता हूँ, इनिशियलाइज पे जाके क्लिक करता हूँ। अरे अब डीवी यस है या नो? यस यस। तो नो की जगह ड्रॉप डाउन में यस डाल दीजिए। ओनिंग रेलवे कौन सा? आई थिंक सीआर होगा, सेंटर रेलवे। ईसी सर। ईसी? यस ईसी। अच्छा ईसी, अच्छा ओके ओके। साउथ ईस्टर्न, साउथ ईस्ट, ये रहा, ठीक है ना। जो भी डाल दीजिए। टीपीटी मतलब व्हीकल टाइप, जो भी इस टाइप का है, अब वो जनरल है, एसी, फर्स्ट टायर, कोई भी हो, ड्रॉप डाउन में सारे आपको मिल जाएंगे। एल वी पी एच, वी नहीं, पूरा इसमें नहीं आ पा रहा। एल वी पी एच कहाँ लिखा है? नहीं नहीं, वो नहीं, वो नहीं, टाइप ऑफ व्हीकल, टाइप ऑफ व्हीकल में जैसे इस टाइप के होते हैं, वो एल वी पी एच वाला नहीं। ये देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये 6 डिजिट का होता है, जैसे ये GSRD है, GSLR है, कोई भी ले लीजिए। हाँ, GSLR है सभी। GSLR, हाँ, वही GSLR लोडिंग वाला, लोडिंग वाला। ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वो उसमें दिख जाएगा आपको, नंबर प्लेट पे। एग्जांपल अगर ये 2012 है तो मैं लास्ट के 2 डिजिट 12 ले रहा हूँ, ठीक है ना। सीरियल नंबर क्या है इसका, जरा 6 डिजिट बता दीजिए जरा। 20 34 17 20 34 17 17 पब्लिक से नहीं, उसी तो खैर वो कपलिंग के लिए हो गया। हाँ। हमें तो 6 डिजिट डालने ना, क्योंकि कोच के केस में 6 वैगन के केस में 11 है, तो 6 डाल दिया हमने। 6 5 भी होता है, कोई हार्डली मैटर, 5 वाले भी होते हैं। अच्छा, डेट इनटू पुट इनटू आज की डेट है 29, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरर कोड किसका है? ये RCF कपूरथला का होगा, रायबरेली या नॉर्मली पैरम्बूर किसी का भी होगा। डेट ऑटोमेटिक लेगा, ऑटोमेटिक आज की डेट नहीं, अब बाय डिफॉल्ट आज के लेगा, बाय डिफॉल्ट। मैंने तो कुछ किया नहीं, अपने आप ही ऐसे हमको डालना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली। प्रोडक्ट सीरियल नंबर कुछ नहीं डालना, 11x0 डाल दीजिएगा बस, इससे ज़्यादा लेगा नहीं वो, अपने आप जीरो। ये फील्ड भरने ज़रूरी है। ट्रायल नंबर ऑफ आइटम जो बता रहे थे अंदर, इसमें 2 रो होते हैं, तो पहला रो होता है काउंट, तो मैं काउंट डाल लो 1, मतलब मुझे केवल एक ही पर्सन का नंबर डालना है। मैंने डाला 1 और मैंने यहाँ पे डाल देता हूँ डिटेल में अपना फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, बस जस्ट मॉनिटरिंग पर्पज़। 2 फोन नंबर डालना है सर, डाल दीजिए। इससे होगा कि कभी मुझसे कोई, मैंने राइट किया तो कोई बंदा मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। मेक श्योर दैट नेट डेटा ऑन होना चाहिए, और आप क्लिक किस पे कर दीजिए? प्लस पे। प्लस का मतलब डेटा कहाँ जा रहा है? सर्वर में जा रहा है। राइट भी हो गया और सर्वर पे भी चला गया। हाँ, तो देखिएगा, यस यस, इसमें राइट हो रहा है। ये साउंड का मतलब सब कुछ सही हो रहा है। साउंड नहीं मिले तो सोच लीजिएगा कुछ प्रॉब्लम है, राइट। हाँ, साउंड मिलने का मतलब बिल्कुल हैंडशेक हो रहा है, राइट। अभी रुकिएगा, आज मैं ज़्यादा जल्दी तो नहीं चल रहा हूँ ना? नहीं सर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है ना, बराबर है, समझ में आना चाहिए। हाँ, अभी एक दो आप वाले पे भी कर लेंगे किसी पे। अलर्ट, अब ये कह रहा है प्लीज़ कैप्चर फोटो। अब आपको जस्ट ये अभी 2 दिन पहले ऐप हुई है, इसमें यही है कि ये भी तो हो सकता है मैं अपने घर में बैठ के वैगन का डेटा डाल दूँ। दिस इज फिजिकली वेरीफाई, तो मैं वहाँ जाके ये कैप्चर दिखा रहा है, ठीक है ना। मैं ओके पे क्लिक कर रहा हूँ, अब वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कैमरा हो गया। मैं एक फोटो, मैं इसकी फोटो ले लेता हूँ, मतलब मान लीजिए मैंने इसकी फोटो ले ली, किसकी? 6 डिजिट की, और मैंने इसको सबमिट कर दिया। कहाँ गया ये? अब राइट, अब एक्टिविटी आपकी जो मैं आपको अंदर बताता रूम में, अब एक्टिविटी कंप्लीट हुई है। अब एक्टिविटी आपकी एक, अब आपने डीवी की साइड में टैग राइट कर लिया है, और अभी क्योंकि नेट ऑन है तो डेटा आपके सिस्टम इस पे भी आ गया, आपके टैग पे और सर्वर पे चला गया। एक बार रीड भी कर लीजिए, रीड कर देख लीजिए कि डेटा वही है जो आपने डाला है, नहीं डाला। अच्छा, रीड में पता लगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही, कि कोई गलती हो तो उसको दोबारा चेंज कर लीजिए। इनिशियलाइज पे जाके देखिएगा, वर्जन डी तो है, डीवी यस डाला था हमने, कोचिंग डाला था क्योंकि कोच है, एस आर डाला था, GSLR डाला था, और ये 20 34 16 है, 17 था, 16 डाला था मैंने 17 चेंज नहीं किया वो, और ये सब ठीक है ना। और ये मेरा मोबाइल नंबर आ गया, मतलब ये वही इन्फॉर्मेशन है जो मैंने ऑथेंटिफिकेशन के लिए सबमिट होगा, अगर मैच होता है तो उधर से एक्सेप्ट, जो भी हो, मतलब आपने अब इस टैग, अब ये टैग ब्लैंक नहीं है, इसके अंदर वो डेटा है जो आपने जस्ट अभी डाला, अभी खाली नहीं है। सर मैं जी जी प्लीज, नहीं नहीं एक सेकंड, जस्ट एडिट नहीं कर पाए।